पिछले एपिसोड में हम गए थे रत्नागिरी से गणपतिपुरे की डे ट्रिप करने, और रास्ते में हम रुके आरेवारे बीच पे, फिर हम गए थे जिपलाइन की स्टेशन में जहाँ पे हमने जिपलाइन के बारे में और काफ़ी कुछ जाना, और फिर वहाँ से हम गए एक बहुत ही फ्रेश नारियल पानी पीने, और उसी जगह पे हमें एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखा जहाँ पे हमने आधा पौना घंटा ऐसे ही निकाल दिया। एंड देन उसके बाद फाइनली हम गए गणपतिपुरे के मंदिर में और दर्शन करके फिर हम गए बीच पर एंड देन वापस आ गए रत्नागिरी। ये है हमारे 2400 किलोमीटर रोड ट्रिप का एपिसोड 6 एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ रत्नागिरी में स्थित मेरी पर्सनल फेवरेट जगह है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 6। आज के इस एपिसोड में हमारा जो पहला स्पॉट है वो है थीबा पैलेस। Thiba Palace was built by British government to keep the former king of Bangladesh, which is now known as Myanmar, in house arrest. Iska nirman varsh 1910 mein hua tha. 1916 tak is mahal mein Myanmar ke raja aur rani rehte the. Ab is mahal mein ek sangrahalay hai. Is mahal mein raja Thiba dwara istemal ki gayi kuch cheeze aaj bhi samrakshit hai. यह महल एक सुंदर कलाकृति है जिसका मुख्य आकर्षण लकड़ी की खिड़कियों पर की हुई नकाशियां हैं। पहले मंजिल पर संगमरमर के फर्श वाला एक नृत्य कक्ष है। महल के पीछे एक बुद्ध प्रतिमा स्थापित है जो राजा थीबा द्वारा भारत लाई गई थी। इस जगह से दिखाई देने वाली सोमेश्वर नदी की खाड़ी भाटे बीच बेहद मनमोहक है। यह जगह खूबसूरत सूर्यास्त के लिए भी मशहूर है। थीबा पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम महल के बाहर से ही आपसे सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। यहाँ से निकलकर हम जाने वाले हैं अब हमारे दूसरे स्पॉट पे, जो कि है श्री लोकमान्य तिलक का बर्थ प्लेस। यह स्थान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का घर है जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ लोकमान्य तिलक जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक रहे। यह संग्रहालय एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। घर के सामने लोकमान्य तिलक की मूर्ति है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉप की ओर, जो कि है भाटे बीच। भाटे बीच पहुँच कर मुझे ये पता लगा कि ये बीच बिल्कुल कोकोनट रिसर्च सेंटर के सामने है, और यहाँ पहुँच के मुझे ये भी पता लगा कि ऐसा कोई कोकोनट रिसर्च सेंटर भी होता है। मुझे तो कभी नहीं पता था। क्या आपको पता था? यह समुद्र तट लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है जहाँ आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह रत्नागिरी के पास साफ समुद्र तटों में से एक है, और इस समुद्र तट पर काफी लंबी दूरी तक पैदल चला जा सकता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कई समुद्र तट हैं। उनमें से रत्नागिरी शहर के पास एक प्रसिद्ध समुद्र तट है जिसे भाटे समुद्र किनारा कहा जाता है। यहाँ पर सफेद रेत है और सुरू पेड़ों का जंगल है। सुरू का पेड़ यानी कि कैसरीना ट्री सॉइल इरोजन एंड विंड ब्रेक्स जैसी समस्याओं में काफी हेल्पफुल रहता है। यहाँ समुद्र के पास एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है झरी विनायक मंदिर। यह मंदिर प्रति गणपतिपुरे के नाम से प्रसिद्ध है।
ये सैंड पे आपको काला काला अजीब सा कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि सीवीड समुंदर से बाहर आके बीच पे पड़ा है या सूखा हुआ। पर ये एक्चुअली ना ये कोई कचरा है ना ही ये कोई सीवीड है, ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्रैब्स घूम रहे हैं, और वो क्रैब्स इंसानों को देखते ही तुरंत ही रेत कुरेत के अंदर जा रहे हैं और अपने लिए वहाँ पे एक सुरक्षित जगह बना रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनका एक छोटा सा घर है, मे बी टेम्पररी बट है। अराउंड 5:30 हो रहे हैं, तो यहाँ से निकल के अब हम बढ़ते हैं हमारा जो आज का लास्ट स्टॉप है मांडवी बीच उस तरफ। मांडवी बीच रत्नागिरी क्षेत्र के सबसे भीड़भाड़ वाले समुद्र तटों में से एक है। मांडवी बीच पर खूबसूरत समुद्री किनारा है जो राजीवंडा पोर्ट तक फैला हुआ है। यह शानदार समुद्र तट पश्चिम में रत्नादुर्ग किला और दक्षिण में अरब सागर से घिरा हुआ है। यह समुद्र तट अपनी काली रेत के लिए जाना जाता है और इसलिए इस समुद्र तट को अक्सर ब्लैक बीच कहा जाता है। मांडवी के पास रत्नागिरी के गेटवे के साथ रत्नागिरी जेट्टी भी है जो शाम को घूमने के लिए एक खूबसूरत जगह है। अब यह सूर्यास्त का समय है और हम इस समुद्र तट पर सूर्यास्त के दृश्य का आनंद ले रहे हैं। यहाँ से निकल के आज का फाइनल एंड लास्ट स्टॉप जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कोई साइट सीइंग प्लेस पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। सो हम एक स्टोर पे जाने वाले हैं जिसका नाम है योजक, और मैंने जो भी शॉपिंग की होगी वो मैं आपको अब सीधा होटल पहुँच के दिखाऊंगी। ये हमने खरीदा है हापुस मुरब्बा, कैरी पना, मालवणी वड़ा पीठ, अम्बा लोनचा, हापुस अम्बा पोड़ी और ये है पापड़। कास्ट आयरन तवा हमने खरीदा है रत्नागिरी से, ये हम लोग एक्चुअली काफी टाइम से ढूंढ रहे थे तो हमें यहाँ पे मिल गया। डिनर में हमने मंगाया है सूप, हरा भरा कबाब और काफी सारा डेजर्ट। तो हमने मंगाया गुलाब जामुन, आइसक्रीम एंड गड़बड़। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, काफी सारी जानकारी मिली हो, और इस एपिसोड में जितने भी स्पॉट्स बताए हैं वो सब मेरे फेवरेट स्पॉट्स हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब भी आप आएँ तो आप आपकी पसंद के हिसाब से जगह सिलेक्ट करके अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, हैव अ नाइस टाइम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।